Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solve. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you one word. And here I will help you in preparing for in your one of the most topic in English grammar comprehensible. Is the topic one word substitution. तो स्टूडेंट आज की जो क्लास होने वाली है वो है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में. और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इनमें से ये पार्ट होता है स्टूडेंट आपकी बॉकेट का. और आप किसी भी एग्ज़ाम को दो उसमें आप कहीं ना कहीं इसमें से दो से लेके चार नंबर के जनरली आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं. और बाकी एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप से बॉकेट पूछी जाती है. कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें बॉकेट का बहुत ज़्यादा ही पार्ट होता है जनरली. तो यहाँ पर हम आज क्लास लेंगे स्टूडेंट आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में. तो आज का वन वर्ड है आपका स्टूडेंट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. तो आज के फर्स्ट वर्ड स्टूडेंट आपका ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर. इसका मीन्स ये होगा स्टूडेंट ए नंबर ऑफ पीपल यानी एक लोगों का एक समूह होता है लिसनिंग टू ए लेक्चर. किसी भी लेक्चर को जब आप कहीं भी सेमिनार वगैरह में कहीं भी जाते हो तो जो लोग होते हैं उनकी जो बातों को आप सुनते हो वहाँ बैठ करके देखते हो क्या प्रोग्राम हो रहा है. तो वो जो होते हैं स्टूडेंट उनको हम ऑडियंस बोलते हैं या हम उनको श्रोतागण बोलते हैं हिंदी में. मैं इनकी हिंदी भी स्टूडेंट साथ में लिख दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सेकंड है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो स्टूडेंट जो आपका वर्ड है यहाँ पर ओमनी ये वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर ऑल के लिए, ठीक है. और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट जो व्याप्त होता है हर जगह होता है. तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर मीन्स ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वज्ञ वो हर जगह जो होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आपका ओमनी प्रेजेंट. नेक्स्ट है वन हु इज ऑल पावरफुल. तो ओमनी आपका ऑल के लिए यूज़ किया गया, अपोटेंशियल आपका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट आपका फॉर पावर के लिए. तो ओमनी पोटेंट मीन्स सर्व शक्तिमान जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं. फोर्थ है वन नो एवरीथिंग यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका ओमनी सेंट. ओमनी मीन्स होता है ऑल के लिए और साइंस से ही बनाया आपका सेंट. तो यहाँ ओमनी सेंट होता है मीन्स सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो. नेक्स्ट एक कलेक्शन ऑफ पोएम यानी पोइट्री जो होती है आपकी पोएम्स होती है उनका जो कलेक्शन होता है स्टूडेंट उनको बोला जाता है आपका आपका एंथोलॉजी यानी काव्य संग्रह. नेक्स्ट एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर यानी कि आप कहीं पार्टी वगैरह में आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा जब कोई किसी से बड़ा जो आदमी होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या है कुछ फूल कलेक्शन करवा के ले जाते हैं, उनको उनका एक गुच्छा बन जाता है जिसको स्टूडेंट हम आपका ओवेट बोलते हैं यानी पुष्प गुच्छा होता है ये कलेक्शन ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट है लवर ऑफ मैनकाइंड. तो स्टूडेंट जो आपका वर्ड यूज़ किया गया उसको बोलते हैं हम फिलैंथ्रोप यानी फिल जो वर्ड यूज़ किया था ये यूज़ किया था फॉर लव के लिए. और थ्रोप यूज़ किया था स्टूडेंट फॉर मानव जाति यानी फॉर ह्यूमन यानी पूरी विशेष एक पूरी मानव जाति के लिए यूज़ करते हैं. लवर ऑफ मैनकाइंड यानी जो पूरी मानव जाति से जो प्रेम करता है स्टूडेंट उसको बोलते हैं हम आपका फिलैंथ्रोप यानी मानव प्रेमी. नेक्स्ट है हेटर ऑफ मैनकाइंड जो पूरी मानव जाति से जो नफरत करता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका मिसैंथ्रोप. तो मिस जो वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट ये यूज़ किया था फॉर हेट. इसकी मैंने आपकी रूट वर्ड की मैंने स्टूडेंट कुछ आपको वीडियो कराई थी उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो आप वहाँ से भी इनको आसानी से देख सकते हो और आप अपने वोकैब को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. नेक्स्ट है लवर ऑफ अदर्स यानी खुद को छोड़कर यानी वो उससे खुद से प्रेम नहीं करता तो दूसरों से करता है उसको बोलते हैं एल्ट्रोइस्ट यानी कि परोपकारी बोलते हैं स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट ए प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स यानी जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पर स्टूडेंट हम जो एरोप्लेन्स होते हैं जहाज होते हैं हवाई जहाज उनको जिस जगह पर रखा जाता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका हैंगर यानी विमानशाला. नेक्स्ट है द स्लीपिंग रूम इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूट उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका डॉर्मेट्री. जब आप कहीं रेलवे स्टेशन वगैरह आप देखा था या कहीं कॉलेज वगैरह में जाते हो या कोई पब्लिक प्लेस होता है तो वहाँ पे एक शयन कक्षशाला लिखा होता है स्टूडेंट जब आपने देखा होगा वहाँ पर हम आसानी से कोई भी वहाँ पर रह सकता है तो उसको बोला जाता है आपका डॉर्मेट्री. नेक्स्ट स्टूडेंट आपका ए पोस्ट विदाउट एनी रिम्यूनरेशन यानी कि कोई ऐसा पद है जिस पे आप केवल सम्मान के लिए कार्य करते हो जिसमें बदले आपको कोई भी आपको पेमेंट नहीं मिलता आपको सैलरी नहीं मिलती तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका ऑनरी यानी अवैतनिक.
नेक्स्ट ए वूमेन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी कोई ऐसी औरत लेडीज जिसका हस्बैंड मर जाता है स्टूडेंट, उसको बोला जाता है आपका विडो, यानी कि आपका विधवा बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी, उसकी जो वाइफ है स्टूडेंट वो मर जाती है, तो उसको बोला जाता है आपका विडोवर, यानी विदुर बोलते हैं उसको हिंदी में हम। नेक्स्ट आपका एन आउटलाइन ऑफ ए आपका प्ले या ओपेरा, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम सिनेरियो। जब आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवी वगैरह जो देखते हैं, तो उसमें एक काफ़ी बड़ा हॉल होता है और वहाँ पे कुछ डांस वगैरह होता है, तो उसी को बोला जाता है स्टूडेंट, उसको हम ओपेरा हाउस बोलते हैं। तो जो वहाँ पर जो नाटक करता है उसकी जो रूपरेखा होती है, तो उसको हम सिनेरियो बोलते हैं। नेक्स्ट ए वुमेन हुज इंटरटेन्स गेस्ट, यानी कि कोई ऐसी लेडी जिसके घर पे जो गेस्ट वगैरह आते हैं, तो स्टूडेंट उनका जो खातिरदारी करती है, उनका मान सम्मान करती है, उनकी देखभाल करती है, उसको स्टूडेंट हम होस्टेज बोलते हैं, यानी सत्कारिणी जो उनका मान सम्मान करती है, खाने पीने पूछती है, उनको सब कुछ राजती, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम आपका होस्टेज। नेक्स्ट ए व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी ए सिक और वॉन्डेड पर्सन, यानी कोई एक ऐसा वाहन जो यूज़ किया जाता है टू कैरी लाने के लिए सिक मीन्स बीमार और घायल लोगों को जो लाते हैं स्टूडेंट, उसको बोला जाता है आपका एम्बुलेंस। नेक्स्ट आपका ए व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी ए डेड बॉडी, एक ऐसा वाहन जिसमें स्टूडेंट हम डेड बॉडीज यानी जो मृत शरीर होते हैं उनको लाते हैं जिसमें, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका हेयर्स, यानी कि आपका सब वाहन जिसमें आप डेड बॉडी को लाया जाता है। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज़ वेरी क्रूअल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है वो बहुत ही क्या है दुष्ट है निर्दयी है, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका फैंट, यानी इन द सेंस या हम बोल रहे उसको अत्याचारी भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट ए रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है, जनरली स्टूडेंट जब आप अकाउंटिंग वगैरह का कोई स्टूडेंट हो वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकता है कि हम कोई भी जो काम देते हैं, मान लो अगर किसी को आप उधार पैसा वगैरह लिख देते हो या कोई भी लेन देन करते हो, तो वहाँ एक आप एक साइड में लिख लेते हो कहीं भी नोटबुक वगैरह में कि आज भाई मैंने इसको इतना पैसा दिया, तो वो उसको स्टूडेंट आप स्मरण पत्र बोलते हो उसको, यानी मेमोरेंडम बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को रखते हैं स्टूडेंट हम यहीं तक, केवल हम एक वीडियो में केवल आपके 21 वर्ड को लेंगे। तो अगर आपका रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव मिलता है तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा और इससे भी बेटर जो भी आपके वन वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपना रेस्पॉन्स जरूर दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।